go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. तो जय श्री राम, सभी को स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो अब अपने सोयाबीन हो चुके हैं 15 दिन के। ये है 11:35, ये आप देख सकते हैं अपने 11:35 सोयाबीन है। तो इसमें अभी दवाई छींटना है, काम शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं नली द्वारा दवाई छींटी जा रही है। ये रहा अपना ट्रैक्टर, और ये वाला जो खेत है इसमें 11:35 है, और ये वाला जो खेत है इसमें है 95:60। 11:35 आपको ऐसी लग रही होगी कि थोड़ी थोड़ी दूर है, पर ये ऐसा नहीं है। इसका गाला ही कम रहता है, ये कम से कम 18 से 19 किलो बिघा की पड़ती है बस। और 95:60 आपको बिल्कुल व्यवस्थित दिख रही होगी, क्योंकि ये 35 से 40 किलो गिरती है एक बीघा में, तो इसलिए 11:35 ऐसी थोड़ी दूर दूर ही रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से दवाई डाली है अपन ने। तो एक जो अपनी दवाई है वो है वीट वीट ब्लॉक, ये आप देख सकते हैं वीट ब्लॉक का डब्बा। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर एक ये है जो कि लिक्विड है वीट ब्लॉक का। तो उसके बाद ये है मेन स्प्रेड जो कि चिप्पू है, चिप्पू का काम करता है ये। और एक ये पैकेट जिसको अपने को बाल्टी में मिलाना पड़ता है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको बाल्टी में मिलाना पड़ता है। तो इसको रखते हैं साइड से और आपको दिखाता हूँ दूसरी दवाई। एक अपन ने इसमें डाली है टर्गा सुपर, इसको तो सब इसका नाम तो सब जानते ही होंगे। और एक अपन ने डाली है गैलेक्सी, इसमें भी कुछ इस प्रकार का डिब्बा आता है। एक छोटी डिब्बी आती है इसमें आप देख सकते हैं ये, और एक रहती है पूरी बड़ी डिब्बी। इसको बाहर निकालता हूँ रुको मैं, ये कुछ इस प्रकार की डिब्बी रहती है ये। एक छोटी रहती है इसमें लगी हुई, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी दवाई अपन ने डाली है इसमें। तो अपन ने ये सारी जो दवाई आपको दिखाई ये इसमें डाल दी थी, फिर अपन ने इसको प्रेशर से बिल्कुल दवाई को सारे मिक्स कर लिया था। और अपने जो दवाई छिटने का काम है वो चल रहा है, ये आप देख सकते हैं खेत में नली से सारी दवाइयाँ छिटी जा रही है। तो अपना जो ट्रैक्टर है वो चल रहा है अभी इंजन रेस पे ही। ये जो दवाई जो नली से छिटा थी इसमें कुछ एक्सीलेटर तक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने को आरपीएम नहीं बढ़ाने पड़ते। तो ये आप देख सकते हैं जो इंजन के आरपीएम रहते हैं उसी पे चल रहा है ट्रैक्टर अपना। और ये रहा ड्रम, ये स्पीडियो द्वारा चलता है पूरा। और ये नली है जिससे कि दवाई छिटी जाती है। सब सिस्टम चलता है ये अपने पीटीओ के द्वारा, ये पीटीओ से यहाँ से पूरा घूमता हुआ आता है ये नीचे से, और ये उससे घूमती है ये पुल्ली। तो ये पुल्ली ये घुमाती है इस पंप को, ये आप देख सकते हैं ये पंप चल रहा है। और ये पंप की जो एक नली है ये इसमें से पानी खींचती है, ये मोटी वाली नली। और ये पतली वाली नली जो है ये रिटर्न फेंकती है, अगर ज़्यादा पानी का प्रेशर रहता है तो वापस रिटर्न प्रेशर इधर मार देती है। तो ये रहा अपना पंप। फिर इस पंप से ये ब्लैक वाली नली जो है ये वाली नली में जुड़ रही है, और यहाँ से दवाई जा रही है अपने खेत में। और अगर अपन इस नली को वापस फोल्ड करना है तो ये वाली जो आप देख सकते हैं बद्दी ये यहाँ पे लगती है, और इससे ये वाला हफ्ते से पूरा टाइट करके ये वापस घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो नली वापस पूरी फोल्ड हो जाएगी। तो ये है कुछ ऐसा दवाई छिटने का सिस्टम। ये अपना तो ये थोड़ा पुराना है, आजकल तो और आधुनिक चीज़ें हो गई है। और बहुत से किसान भाइयों के पास पीछे वो छड़ वाला भी है, उसमें क्या है कि अपने ट्रैक्टर में पतले टायर लगते हैं और ये डायरेक्ट खेत में चलता है वो ट्रैक्टर,
पर अपनी जो ज़मीन है वो पूरी काली मिट्टी वाली है और इधर ट्रैक्टर ज़्यादा धंसता है ज़मीन में, इसलिए इधर की साइड वो थोड़ा सक्सेस नहीं है। बाकी जो हमारा गांव के दूसरी साइड की ज़मीन है उधर वो आराम से चलता है, तो उधर लोग चलाते हैं बिल्कुल उसको आराम से ट्रैक्टर को खेत में। ये आप देख सकते हैं इन भाई के पास भी यही वाला सिस्टम है जो अपने पास है, और ये भी इस खेत में, अभी पास वाले खेत में दवाई छीट रहे थे अपनी मोटरसाइकिल के, उधर वाला जो खेत है। तो भाइयों अब ऐसा कुछ सिस्टम रहता है ये दवाई छिटने का, तो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि अपने एरिया में कैसी क्या दवाई छिटी जाती है। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि अब जो बाकी का जो खेत है उसमें जो दवाई छिट देंगे तो बस यही प्रोसेस रहेगी उन खेत में भी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।